नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मुझे आप सभी के साथ एक अच्छी खबर शेयर करनी है। यहाँ पर मेरे पास एक आर्टिकल है जो आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस आर्टिकल में कुछ डिटेल दी गई है स्कॉलरशिप के बारे में, फ़ी वेविंग के बारे में और यह दूसरा स्कीम के बारे में। ये सभी स्कीम जो है यहाँ इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए है, यानी जो 10% क्राइटेरिया बना हुआ है उन सभी स्टूडेंट के लिए यहाँ अप्लाई होगा। और हम देख लेते हैं यहाँ पर स्टार्ट में कि कौन कौन से स्कॉलरशिप है, कौन कौन से स्कीम है आप सभी स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ भले ही IITs लिखा हुआ है लेकिन ये स्कीम जो है मेडिकल स्टूडेंट के लिए भी उपलब्ध होगा। तो मुझे जैसे और लिस्ट मिलेगा वह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पर स्कीम जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से स्कीम, कौन कौन से स्कॉलरशिप दी गई है। तो यहाँ सबसे पहले स्कॉलरशिप यहाँ देख लेते हैं कौन सा है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो यह स्कॉलरशिप जो है उन सभी स्टूडेंट के लिए है जिनका एनुअल इनकम 8 लाख रुपये से कम है। उनको 10,000 रुपये पर एनम मिलेगा पहले 3 साल के लिए, फिर चौथे और पाँचवें साल में 20,000 रुपये पर एनम स्कॉलरशिप दी जाएगी। सेकेंड स्कॉलरशिप है स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो यह उसी तरह से यहाँ पर भी स्कीम है, यहाँ पर स्टूडेंट को अप टू 4 लाख रुपीज़ पर एनम दी जाएगी। तीसरा स्कीम है सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। तो अगर आप कोई एजुकेशन लोन लेते हैं पढ़ाई के लिए तो उनमें जो इंटरेस्ट होता है उसकी आपको फुल सब्सिडी मिलेगी, यानी गवर्नमेंट आपका फुल इंटरेस्ट भरेगा। आप जितना भी रुपीज़ का लोन लेते हैं, मान लीजिए आपने 7.5 लाख रुपीज़ का लोन लेते हैं, तो जब आपका एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है आपको सिर्फ 7.5 लाख रुपीज़ ही देना है, आपको उस लोन पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर चौथा स्कीम है फीस वेविंग इन IITs, यानी IITs के जो इंस्टीट्यूट हैं उनमें फ़ी वेविंग कर दी जाएगी, यानी फ़ी जो है जीरो कर दिया जाएगा उन सभी स्टूडेंट के लिए जो इकोनॉमी वीकर सोसाइटीज़ से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा ST SC और PH के स्टूडेंट को भी फुल स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब यहाँ जो दिया गया है IITs के बारे में, लेकिन इसी तरीके से जैसे ही मेडिकल एजुकेशन जैसे नीट के एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे और एडमिशन शुरू हो जाएगा तो इसी तरह का स्कॉलरशिप आप सभी मेडिकल स्टूडेंट को भी उपलब्ध होगा। तो इतना ही डिटेल मुझे आप सभी के साथ शेयर करना था। जैसे ही मुझे और न्यूज़ मिलता है ऐसे स्कीम और स्कॉलरशिप के बारे में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। फिलहाल यह वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है और जो लाइक का बटन है उन्हें दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।